सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त इकबाल। आप देख रहे हैं शव 21, खुश आमदीद कहते हैं और बिल्कुल लाइव मौजूद हैं। 6:20 हो चुके हैं, लाइव मौजूद हैं। 7 बजे तक साथ होता है आपके साथ। दो बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ आज इस महफिल में शेयर करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच जितने लोग मौजूद हैं पाकिस्तान दुनिया भर में। आज दो बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं। पहली जो डिश बना रहे हैं वो है कलेजी। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम किसी भी टीवी पे मैं खुद जो शेयर कर रहा हूँ, चिकन की कलेजी बना रहे हैं। ठीक है, चिकन कलेजी मसाला, उसके साथ ही एक ज़बरदस्त खीर की रेसिपी शेयर करनी है, चावल की खीर। प्रोसेस बिल्कुल जारी जी। माजद करते हैं आपसे कि 6:20 है, 20 मिनट आज हम लेट हैं, बट थैंक यू साथ होने के लिए। रेसिपी की जानी चलते हैं। पोटियाँ रखा और लगभग 4 टेबल स्पून ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, 4 to 5 टेबल स्पून हमने शामिल किया ऑयल। पैन को गर्म होने दीजिए, ज़रूरी है जी। ठीक है जी, पैन को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ें हम ऐड करते रहेंगे। ठीक है जी, जब तक ये हो रहा है तब तक हम ज़रा वेजिटेबल सब्जियां काट लेते हैं, जिसमें अनियन प्याज सिंपलियाँ रखा। ठीक है जी, इसके 2 पीस करते हैं और इसे काट लेते हैं। ठीक है जी, इसका ये हिस्सा रिमूव किया और उसके बाद ये देखिए इसका भी ये हिस्सा निकालो। इसे सिंपली हम काट लेते हैं प्याज को। प्रोसेस जारी है और कॉल के जरिए डेफिनेटली अब शो का हिस्सा बनेंगे। तो सिंपली ये अनियन रखिए, इसे काट लेते हैं। और सवाल बताते चलेंगे, जज्बात इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं, चाहे मर्द हजरात हों या ख़वातीन। तो सवाल है, ज़्यादा जज्बाती कौन होते हैं, ख़वातीन या मर्द हजरात, आप बता सकते हैं। दिलशाद जी ज्वाइन कर चुके हैं, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और शेफ कैसे हैं आप? जी दिलशाद जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। खरीद थे, काफ़ी दिनों बाद कॉल मिली है, बिजी बहुत जा रही थी जी। बहुत शुक्रिया, लेकिन बात हो रही है, खुशी की बात है ना दिलशाद जी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज आप क्या पका रहे हैं? आज दिलशाद जी कलेजी बना रहे हैं। अच्छा, बकरायत की रेसिपी शुरू कर दी आपने क्या? आई थिंक यही हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है। अच्छा, कि हम कुछ चीजों को सिर्फ बकरायत में खाते हैं, कुछ सर्दियों में, ये थ्रू आउट ईयर आप खा सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? जी चलें, और रमजान के हवाले से आप रेसिपी देना शुरू करें। हाँ, मेरे ख्याल से टाइम है अभी, लेकिन ये कि रमजान से बहुत पहले इंशाल्लाह तैयारी। और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ जैसे छोले हैं, दही बड़े हैं, पकोड़े हैं, फ्रूट चाट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर जरूर डेफिनेटली शेयर करेंगे आपके साथ। जी जी चलें। अच्छा दिलशाद, हमने पूछा है कि ज्यादा मैडम जज्बाती कौन होते हैं, मर्द हजरात या खवातीन? जज्बाती ज्यादातर मर्द हजरात होते हैं। मर्द हजरात होते हैं? जी हाँ। ओके ओके ओके, चलें आपका जवाब भी आया एंड थैंक यू। ओके ओके, ये प्याज हम ऐड करते हैं इस पॉट के अंदर। सिंपली ऑयल अच्छी तरह से गरम किया और इसके अंदर हमने ये प्याज ऐड की। ठीक है जी, अच्छी तरह से भुनाई जारी रखिए। भुनाई के बाद इसमें हमने बाकी चीजें ऐड करनी है, तो बस प्रोसेस बिल्कुल जारी है। ठीक है जी, तो कलेजी आज जो बना रहे हैं, चिकन कलेजी है, बीफ या जो भी मीट पसंद हो उसकी आप कलेजी ले सकते हैं, लेकिन टाइमिंग में ज़रा फ़र्क होता है। ठीक है जी, टाइमिंग में बिल्कुल फ़र्क होता है। तो प्याज ज़रा भून लीजिए, प्याज के साथ ही 2 चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ। ठीक है जी, प्याज 2 चम्मच अदरक लहसुन शामिल किया, भुनाई जा रही है। ठीक है जी, बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है जी, और कुछ ही देर बाद बुनाई के बाद इसमें ऐड करते हैं ये हमने कलेजी भी। प्रोसेस बिल्कुल जारी है, मौजूद ही आप हमारे साथ, थैंक यू।
आपकी पार्टिसिपेशन। ठीक है जी, ज्यादा जज्बाती कौन है? अच्छा क्विकली दो चीजें बना रहे हैं, जाहिर खीर भी बना रहे हैं, तो क्विकली हमने फाइनलाइज करना है, बल्कि खीर के प्रोसेस को भी जारी रखना है। ठीक है जी, तो पहले जरा मेरे ख्याल से जिसको हम फाइनलाइज करते हैं, टमाटर काट लेते हैं जो इसमें हमने शामिल करने। ठीक है जी, लगभग 4 से 5 हमें टमाटर शामिल करने। ठीक है जी, 4 से 5 टमाटर सिंपली इसके 2 पीस किए और उसके बाद ये स्लाइस काट लेना है। ठीक है जी, 2 पीस और इसके बाद टमाटर स्लाइस कर लेना है जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से। टमाटर डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, सेहत के लिए अच्छा, विटामिन सी इसमें काफ़ी होता है जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, और काफ़ी चीज़ों में हम टमाटर का छिलका पील ऑफ करके भी शेयर करते हैं, वो भी हमने काफ़ी मरतबा शेयर कर चुके हैं आपके साथ। ठीक है जी, तो वो भी ज़रूरी होता है। ठीक है जी, यहाँ जैसे ही प्याज अदरक लहसुन ब्राउन हमने बिल्कुल नहीं किया, जैसे ही हल्का सा इसका पिंकिश कलर आया है, जैसे कि आप देख रहे हैं पिंकिश कलर आया, ब्राउन नहीं हुआ, ब्राउन होने से पहले इसका जो पिंकिश कलर आया है उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं कलेजी। ठीक है जी, कलेजी शामिल की कीजिए इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है जी, भुनाई बिल्कुल जारी रखिए, कुछ देर के बाद इसमें टमाटर और बाकी चीजें भी बिल्कुल ऐड करनी है। ठीक है जी, अपनी मर्जी से भुनाई कर लीजिए, प्रोसेस बिल्कुल जारी है। स्पाइसेस आप देख चुके हैं, सूखी मेथी भी ऐड करनी है और बाकी सब अज्जा आपको बताते हैं। ठीक है जी, सूखी मेथी ऐड करनी है, नमक, गरम मसाला और काली मिर्ची, जीरा, सभी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आप किस टाइमिंग में क्या चीज़ आप शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इन सब चीज़ों की अपनी जगह बहुत अहमियत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुमाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है डॉक्टर? हुमाम मैं ठीक हूँ, आप बताइए, खरीदे? जी जी, पैसा और चिकन मतलब बना रहे आज आप? क्या? कलेजी, चिकन कलेजी बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, चिकन कलेजी बना रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसे खानी चाहिए। यह है कि हमारे घर में मतलब मैं तो खा लेती हूँ, हस्बैंड और बेटा तो नहीं खाते, लेकिन मैं कभी कभी खा लेती हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमने पूछा है ज्यादा जज्बाती कौन होते हैं, मर्द या खवातीन? ज्यादा जज्बाती, देखिए एक बार साहब, खवातीन भी जज्बाती होती है वैसे, और मर्द मतलब जेंट्स भी होते हैं। तो ज्यादा नहीं, दो वैसे तो दोनों ही होते हैं, खवातीन भी और मर्द दोनों ही होते हैं, लेकिन ये कि मैं मेरे ख्याल से खवातीन ज्यादा होती हैं। अल्लाह ताला ने मर्दों के स्टैमिना दिया हुआ है बर्दाश्त का। अच्छा, तो वो थोड़ा सा जैसे बर्दाश्त कर लेते हैं अपने आप को, इतना जज्बाती इतने नहीं होते खवातीन मेरे ख्याल से, तो मैं समझती खवातीन ज्यादा जज्बाती होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि दोनों में, लेकिन आपका जवाब है खवातीन, यानी कि एक वोट पहले कॉलर ने कहा मर्द, आपने कहा खवातीन। खवातीन ने मैंने बताया ना कि जो जेंट्स होते हैं अल्लाह ताला ने किस स्टैमिना दिया हुआ होता है, मर्द औरत के इस्लाम में भी हमारे देखें तो वो बड़ा मतलब थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, तो वो जज्बात में इतनी जल्दी नहीं आते। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है जी उमा, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, थैंक यू। प्रोसेस बिल्कुल जारी है, ऑयल में प्याज अदरक लहसुन कलेजी ऐड की, भुनाई कॉन्टीन्यूसली जारी रखनी है, कुछ देर के बाद इसमें टमाटर बाकी चीज़ें भी बिल्कुल ऐड करनी है। ठीक है जी, तो बस प्रोसेस जारी है और खीर की भी इंशाल्लाह आज हम ज़बरदस्त रेसिपी बिल्कुल शेयर करने जा रहे हैं। ज़रा भून लीजिए, फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, टेक्सचर अच्छा आ जाएगा। ठीक है जी, और दही हम शामिल नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग करते हैं, भले करें, लेकिन हम सिर्फ टमाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, टमाटर ऐड कर रहे हैं और इसी से इसका स्पाइसी या इसका बिल्कुल टेक्सचर करना है। ठीक है, अच्छी तरह से भून लीजिए, चाहें तो कटाकट की तरह इसे आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर ज़रा और से छोटा करना हो। ठीक है जी, तो कॉन्टीन्यूस
कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस जारी है और इस तरह कटाकट भी बनता है, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। टमाटर काट चुके हैं, इसके साथ ही धनिया मिर्चें और बाकी चीज़ें भी हम काट लेते हैं जो रिक्वायर्ड होंगी। हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर रखा और इस तरह से आपने इसे चॉप कर लेना। साथ ही मिर्चें, ग्रीन चिलीज, ठीक है जी, सिंपली मिर्चें रखी और इसे भी कर लेना है चॉप, जैसे कि आप देख रहे हैं। जी टमाटर, धनिया, मिर्चें चॉप कर रहे हैं, प्रोसेस जारी है। अब तक स्पाइसेस ऐड नहीं किए ना, अब तक हमने टमाटर शामिल किए। इस पॉइंट पर जब भुनाई इसकी जरा हो जाए, उसके बाद इसमें ऐड करते हैं टमाटर। बहुत ज्यादा देर भुनाई नहीं करनी, जैसे कि अर्ज क्या, और ये जरूरी भी है, इसमें हम टमाटर ऐड करते हैं। टमाटर शामिल किए और इसे जरा मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है जी, जिस तरह हम कढ़ाई के लिए करते हैं उसी तरह से आपने मिक्स कर लेना। बल्कि एक दो और मजीद टमाटर ऐड करते हैं, ठीक है, जरा इसकी ग्रेवी मजे की बनेगी। और जैसे जैसे इसमें से कलेजी में से मॉइस्चराइजर निकलेगा तो ये ड्राई तो होगी, तो उसी हिसाब से आपने कर लेना, ठीक है जी। सिंपली इसके दो पीस किए और ये स्लाइस कर लेना। ठीक है जी, और इसके साथ ही इसमें हम बाकी स्पाइसेस भी शामिल करते हैं, ठीक है जी। बाकी स्पाइसेस में सोल्ट, नमक लगभग आधा चम्मच या हसबे जायका, ठीक है जी, क्योंकि कलेजी ज़रा ज़्यादा थी, लगभग 3 पाव थी, तो उसी हिसाब से लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और ये आधा चम्मच मजीद शामिल किया। कर रहे हैं भुनाई, एक लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए शेफ 21। वेलकम बैक टू अवर शो दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोसेस बिल्कुल जारी है और जैसे कि आप देख रहे हैं कलेजी का प्रोसेस जारी है। टमाटर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, ठीक है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन द बिगनिंग हमें ड्राई लग रहे थे, पर जैसे जैसे टमाटर मेल्ट हो रहे हैं तो जैसे इसका टेक्स्चर देख रहे हैं इसका बदलता जा रहा है, ठीक है जी। आज खीर का डिफरेंट मेथड शेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस कैमरे की नज़र से भी। खीर में वैसे हम चावल कच्चे शामिल करते हैं, लेकिन आज जो खीर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं इसमें चावल बॉयल ऐड करने हैं। किस तरह चावल ऐड करने हैं, किस तरह प्रोसेस जारी है आपको बताते हैं। कलेजी का प्रोसेस बिल्कुल जारी है, हमने नमक और लाल मिर्च ऐड की थी, लेकिन इस वक्त जो स्पाइस ऐड कर रहे हैं काली मिर्च आधा चम्मच, ठीक है जी। उससे पहले कि कॉलर से पहले एक इतने से कितना सा करना है कि आधा चम्मच आपने घी, ऑयल या मक्खन ऐड करना है खीर के लिए। देखिए इस पोट के अंदर आधा चम्मच घी, मक्खन, ऑयल, कोई भी फैट आपने ऐड किया। इसी के अंदर बॉइल्ड चावल ऐड करते हैं, उबले हुए चावल, ठीक है जी। याद रहे चावल की खीर है, बिल्कुल डिफरेंट मेथड है इसका, और इसको जरा यहीं पे मैश कर लेना है। मौजूद है कॉलर भी, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस मैडम ठीक ठाक, बहुत खुश। दो दिन आपका शो नहीं आया, मैंने बहुत मिस किया आपको और आपके प्रोग्राम को।
जी सच तो ये बस आपकी मोहब्बत है, प्यार है, शुक्रिया। हमने भी आपसे कलेजी और खीर बता रहे हैं आपके उबले हुए चावल ऐड करेंगे। हाँ ये देखिए बुनाई कर रहे हैं चावल की, ठीक है जी। मेरे अंदर जरा जब भी खीर बनाई है ना तो कच्चे चावल ऐड कर रहे हैं मैंने पूछ के ना। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं कि उबले हुए। बिल्कुल बिल्कुल मैं बनाऊंगी, ट्राई करूंगी, रेसिपी नोट कर रही हूँ। जी जी जरूर जरूर बनाइएगा। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है आपका, बहुत अच्छी अच्छी न्यू रेसिपी लेकर आ रहे हैं आप हमारे लिए। शुक्रिया शुक्रिया, बस ये मोहब्बत है। बहुत सारी दुआएं। शुक्रिया, थैंक यू सना। ज्यादा जज्बात आप बहुत अच्छी करते हैं सर, लेकिन आज तो कुछ मैंने बोला ही नहीं। देखिए ना वैसे आप करते हैं, उस दिन आपने बताया था कि आपके वालिद साहब जो है ना वो लिखते हैं। जी 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 बहुत शुक्रिया, खुश रहे। उनके लिए भी सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आमीन, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी। अच्छा इस पॉइंट पर चावल के साथ चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम शामिल नहीं कर रहे चीनी। ठीक है जी, चावल की जरा से घी में भुनाई कर लीजिए, जिस तरह हलवे के लिए करते हैं। ठीक है जी, बॉइल्ड राइस की जरा भुनाई कर लीजिए जो जरूरी है। यहीं भी आप इसको मैश भी कर सकते हैं, चावल को बॉइल्ड राइस को घी में जरा भून लीजिए और मैश कर लीजिए खीर के लिए। अब उमूमन आपने कभी नहीं देखा होगा खीर का ये मेथड, लेकिन आज इस तरह शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो प्रोसेस बिल्कुल जारी है, चीनी ऐड नहीं कर रहे क्योंकि चीनी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है जी, कुछ देर के बाद इसमें चीनी भी ऐड करनी है, प्रोसेस जारी है। कलेजी का भी देखिए जबरदस्त भुनाई कीजिए, बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, बहुत ज्यादा कुक करेंगे हार्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जब आप कुक करेंगे हार्ड हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, और ये देखिएगा सरफेस पे लगे ना ये कलेजी, ये चावल। ठीक है जी, भुनाई के बाद इसमें हम ऐड करते हैं दूध, ऐड करते हैं 1 लीटर दूध। आप दूध से पहले भी चीनी ऐड कर सकते हैं, और अब चाहें तो दूध के बाद भी ऐड कर सकते हैं, मर्जी आपकी। 1 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये, और ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह हलवों के लिए करते हैं कि कलेजी ये चावल को यहीं पे आप इसे तेज आंच पर भुनाई कीजिएगा, यहीं पे बॉइल्ड चावल का दाना ही खत्म कर दें आप। ठीक है जी, यहीं पे देखिए चावल का दाना खत्म कर दें, बल्कि चावल जरा और ऐड कर रहा हूं इसके अंदर। ठीक है जी, क्योंकि हुमा ने भी बात की और भी कॉलर्स ने कहा कि बाजू का हम इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड करते हैं क्विक थिक करने के लिए, लेकिन आज हम कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं कर रहे, चावल के अंदर जो स्टार्च है उसी से हम इसको थिक करेंगे। ठीक है जी, तो जरा और इसके अंदर चावल ऐड कर रहा हूँ, ट्राई जरूर कीजिएगा प्लीज आप। ठीक है जी, डिफरेंट मेथड है, तो इस तरह आज तक मेरे ख्याल से किसी ने बनाई नहीं होगी खीर, लेकिन ट्राई कीजिएगा डिफरेंट, लेकिन अच्छी खीर बनेगी। यहाँ पे इसकी भुनाई जारी रखिए, दूध हमने बहुत कम ऐड किया है। ठीक है जी, ताकि चावल इसी के अंदर जरा भून लीजिए यहीं पे। ऑन द अदर हैंड कलेजी का भी प्रोसेस जारी है, सवाल पूछा ज्यादा जज्बाती कौन होते हैं, जवाब दे रहे हैं, तो बस प्रोसेस जारी है। ये देख सकते हैं आप कलेजी का प्रोसेस जारी है, चावल की भुनाई जारी है, के साथ ही ये जब चावल नरम होने लगे, 1 लीटर दूध में हमेशा 1 कप चीनी या 200 ग्राम 200 ग्राम चीनी ऐड कीजिए। ठीक है जी, 200 ग्राम चीनी ऐड की, फिर से मिक्स कीजिए। ये देखिए खीर बनने लगे, इस वक्त जो उसका टेक्सचर बिल्कुल रबड़ी वाला जैसे कि आपको फील हो रहा होगा, ये देखिए ठीक है दानेदार है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली भुनाई जारी रखिएगा, चावल का दाना खत्म कीजिए, भून लीजिए, सब्ज़ इलायची भी ऐड कीजिए इसी पॉइंट पर। ठीक है जी, कुछ सब्ज़ इलायची भी इसी के अंदर हमने शामिल की, भुनाई जारी है, दूध अब तक सब ऐड नहीं किया, बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सर क्या हाल है? मैं ठीक ठाक जी, कौन बात कर रही हैं आप? मैं सोनिया बात कर रही हूं। समिया? हाँ मैं सोनिया। समिया कहाँ से कॉल किया आपने? कहाँ से? अच्छा चले सोनिया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या कहेंगी आप इस्लामाबाद से बोल की? जी जी बना रहे हैं, मैं बनाऊंगी वीडियो। क्या कह रही हैं?
हाँ सेबिया आज बना रहे हैं, मैं क्या बनाऊंगी, इस तरह की मैं बनाती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है, हम खाते हैं बना के। बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम कैसा आपके इस्लामाबाद का? इस्लामाबाद से नहीं, सियालकोट से। सियालकोट? ओहो सियालकोट, सियालकोट पंजाब के सभी दोस्तों को सलाम। चले थैंक यू सोनिया, खुश रहे। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, अब इस पॉइंट पर देखिए, ये काफी थिक होता जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये चावल चीनी और दूध इलायची को हमने सिर्फ पकाया है, खीर के लिए देखिए, चावल चीनी दूध इलायची को हैंड विक से भी आप बीट कर सकते हैं। ठीक है जी, हैंड विक से भी आप बीट कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है जी, इसी के साथ इसमें हम बाकी दूध भी ऐड कर लेते हैं, हाफ एड किया, बाकी हाफ दूध इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं। अब इसे बहुत अच्छी तरह से पकने दीजिए, और जब तक खीर का प्रोसेस जारी, हम कलेजी को भी फाइनलाइज करते हैं। कलेजी को भी फाइनलाइज करने देखिए। ठीक है जी, और चाहे तो कटाकट की तरह से बिल्कुल आप मैश भी कर सकते हैं यहीं पे आप, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी पॉइंट पर इसे जरा और चटपटा बनाते हैं। स्पाइसेस शामिल कर चुके थे, टमाटर, कलेजी की भुनाई कर ली थी, उसके बाद इस पॉइंट पर ऐड करते हैं। चटपटा कैसे करना है किसी के अंदर ही देखिए। ग्रीन चिली और हरा धनिया ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, और इसी तरह की रेसिपी आज हमने पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी पर भी शेयर की, जिन्होंने देखी हो तो उनको अंदाजा होगा। देखिए यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह हम करते हैं कटाकर के लिए, चाहे तो मक्खन भी आप शामिल कर सकते हैं इस जगह पे, मक्खन भी जब भी कलेजी तैयार होने वाली हो। और फिर से जरा कीजिए मिक्स, जरा सा मजीद ऑयल ऐड करते हैं इसी के अंदर। बुनाई जारी रखिए, अब इसमें कुछ और स्पाइसेस शामिल करते हैं, जिसमें पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, सूखी मेथी एक चाय का चम्मच ऐड की, कीजिए अच्छी तरह से मिक्स से। चाहें तो कोयले का दम भी दे सकते हो। इस वक्त ये आपको इसकी अपीयरेंस से अंदाजा हो रहा होगा कि ये मजे की बनने जा रही है, नान चपाती जिसके साथ भी आप खाएं। ठीक है जी, तो कहा जा रहा था ये देखिए, और ये जो चीज होती है ना, ये देखिए, ये जो भुनाई के बाद के एजेस पे लगता है, इसका भी जबरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है जी, तो ये हमारे लाला साहब ने कैसे मैश की, तो चाहे तो इसे आप कटाकट की तरह से और छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। एक तो वो तरीका कि पहले से आप छोटे छोटे पीस ऐड करें, एक एक भुनाई के दौरान भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो प्रोसेस जारी है। देखिए ठीक है जी, बस जैसे कलेजी तैयार होती है उसे निकालते हैं, खीर का भी प्रोसेस जारी है, और मेरे ख्याल से एक और ब्रेक पॉइंट की तरफ भी जाना है। लेकिन ये देखिए खीर का स्ट्रक्चर सर, देखिए जबरदस्त। अगर आज तक आपने इस मेथड से नहीं बनाई तो आपसे गुजारिश करते हैं कि जरूर ट्राई कीजिए, मजा आएगा आपको। टेक्स्चर इसका देखिए, आइसक्रीम वाला टेक्स्चर आ रहा है, देखिए क्रीमी खीर लग रही है। ठीक है जी, चलिए कलेजी की प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि तैयार हो चुकी है, बहुत ज्यादा से कुक नहीं करना, और फिर वक्फे की जानिब भी चलते हैं। ठीक है जी, तो कलेजी निकालते हैं, आप लीजिए ब्रेक, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक।
जी वेलकम बैक टू आवर शो। जैसे कि आप देख रहे हैं कलेजी हमारी हो चुकी है तैयार और नेचुरल प्रोसेस है, जैसे जैसे चावल पकते जा रहे हैं खीर थिक थिक होती जा रही है। ठीक है जी, ऑन द टॉप ऑफ कलेजी ग्रीन कोरिएंडर धनिया एंड साथ ही कुछ लेमन, लेमन के कुछ रिंग्स काट लेते हैं जी, सिंपली रखा और इसके रिंग्स काट लेते हैं। ये भी कलेजी के टॉप पर ऐड करते हैं। ज़रा और मज़े का करने के लिए आपने ज़रा सा लेमन जूस इनके विटामिन सी ऐड करना है, क्रिस्पी नान या फिर चपाती के साथ कीजिए इसे एंजॉय। ठीक है जी, और ये देखिए खीर भी ज़बरदस्ती होती जा रही है, जिस तरह हलीम के लिए करते हैं अगर इस तरह वुड स्पून या स्पैचुला से, अब यहाँ भी भुनाई जारी रखिए और यहाँ मिक्स कीजिए। ठीक है जी, चावल के अंदर भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टार्च होता है, तो ये भी एक वजह बनती है थिक करने के लिए और बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर लाने के लिए, तो इसकी भी अपनी जगह काफ़ी अहमियत है। ठीक है जी, तो ये देखिए प्रोसेस बिल्कुल जारी, देखिए आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली थिक होती जा रही है। इसी पॉइंट पर जो रेजिन्स किशमिश थी, कुछ किशमिश ऐड करते हैं और बादाम पिस्ते ऐड करते हैं और साथ ही दो चम्मच इसी पॉइंट पर हमने ये कोकोनट नारियल ऐड करते हैं। ठीक है जी, नारियल ऐड करने के बाद फिर से इसे कीजिए अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है जी, फिर से कीजिए मिक्स, प्रोसेस बिल्कुल जारी जैसे कि आप देख रहे हैं और बहुत ही स्मूथ, और ये चावल भी बिल्कुल डिसॉल्व हो चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं। ठीक है जी, इख्तितामी लम्हात, एक जानिब खीर तो ये कलेजी और खीर भी हमारी हो चुकी है तैयार। ठीक है जी, तो वो चम्मच लेना, ये स्पैचुला लेना, इस तरह से जरा से चावल को बिल्कुल खत्म कर लेना इसी के अंदर। इसके साथ ही जो बाउल के अंदर से निकाल लेते हैं विलमैक्स की ब्यूटीफुल क्रॉकरी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके हज़ार से ज़्यादा इसके आर्टिकल्स हैं, हज़ार से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा इसकी वैरायटी है, रेंज है, तो उसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है जी, तो चूल्हा करते हैं बंद और बस कोशिश कीजिएगा कि इतने से इतना कुक कीजिएगा दूध कम हो जाए, लाइक अगर 1 लीटर दूध है तो 3 पाव इसमें से लेना चाहिए। ठीक है जी, 3 पाव दूध रहना चाहिए, इसे इतना कुक करना है और दूध को कम होने दीजिए। ठीक है जी, चूल्हा करते हैं बंद और खीर निकाल लेते हैं इसी के अंदर। जबरदस्त थिक हो चुकी है, टेक्सचर भी बहुत आला। ऑन द टॉप बादाम पिस्ते ऐड करते हैं, किशमिश, ठीक है जी, एंड साथ ही कोकोनट पिसा हुआ नारियल भी टॉप पर ऐड करते हैं खीर के, इस तरह से स्प्रिंकल करते हैं। जरा सा चांदी का वर्क, ठीक है जी, इसके साथ ही लेते हैं इजाजत। बहुत शुक्रिया जितने लोग मौजूद रहे पाकिस्तान या थ्रू आउट द वर्ल्ड, बल्कि उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आयशा लालानी जी हिंदुस्तान से हैं जो यूएस में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कुकिंग क्लासेस के लिए जो कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, जरूर ट्राई कीजिए, दोनों चीजें हो चुकी हैं तैयार, एजेस इसकी जरा साफ कर लेते हैं, जरूर ट्राई कीजिए। आज की दोनों रेसिपीज हमारी हो चुकी हैं तैयार, कलेजी भी और खीर भी। ठीक है जी, और सवाल पूछा कि ज्यादा जज्बाती कौन होते हैं, ख्वातीन या मर्द हजरात, तो दुरुस्त जवाब है ख्वातीन। ठीक है जी, कुदरतन अगर बात की जाए मर्द हजरात जो होते हैं वो ज्यादा
फैक्ट पे बिलीव करते हैं, ठीक है जी। ख्वाहिशात ये इन चीज़ों में ज़रा सा कम होता है, मर्द हज़रात ज़रा फैक्ट पे बिलीव करते हैं, जबकि ख्वातीन ज़रा सी जज्बाती ज़्यादा होती है। रिसर्च बताती है, ठीक है जी, US में रिसर्च, उस रिसर्च के मुताबिक। ज़रूर ट्राई कीजिए, खुश रहें, शादोआबाद रहें, और डेली 6 से 7 लाइव रिपीट 11 से 12 बजे तक शेफ 21 लाइक कीजिए। मुझे आप तलाश कर सकते हैं इकबाल शाह के नाम से। इसी बात के साथ लीजिए देते हैं इजाज़त, खुश रहें, शादोआबाद रहें, एंड हयात लेकर चलो चाहे कायनात, मगर चलो तो ज़माने को साथ लेकर चलो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।